नर्मदा जिले से। नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तहसील के ओरपा ग्रुप ग्राम पंचायत के लोग अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल को जो नुकसान पहुंचा है उसी नुकसान को लेकर आज वो गरुड़ेश्वर तालुका पंचायत कचहरी में आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो, ये ओरपा ग्रुप ग्राम पंचायत के लोग है, जो लोग किसान लोग खेती कर रहे थे, जिसको बारिश के मौसम में यहाँ पर उसकी जो फसल थी वो फसल नष्ट हो गई है और वह अपनी मांग को लेकर आज यहाँ पर वह तालुका व पंचायत कचहरी में आए हुए हैं। आइए हमारे साथ यहाँ पर ओरपा ग्रुप ग्राम पंचायत के कुछ गांव लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वह लोग अपनी कौन सी समस्या को लेकर आज इस कचहरी में आए हैं। जोहर, हूँ तरवी भाणा भाई रमेश भाई, ओरपा गाम। सरकार श्री द्वारा जे नुकसान खेती नुकसान माटे जे वरसाद खेतीना आधारे जे गरुड़ेश्वर तालुकाने समावेश करवामां नथी आवेल, अमारो विस्तार में वरसाद आधारित खेती छे तो खेती में भारे नुकसान थयेल छे, तो सरकार श्री द्वारा जे गरुड़ेश्वर तालुकाने समावेश करवामां नथी आवेल एना माटे अमे तालुका विकास अधिकारी साहेब ने आवेदन पत्र आपवा आवेल छे। और भी यहाँ पर हमारे साथ एक भाई उपस्थित है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वह अपनी कौन सी समस्या को लेकर आज इस कचहरी में आए हुए हैं। जे आ चालू चौमासा दरमियान जे हमारा पाकों ने घणुज व्यापक नुकसान थयेल छे, जेवा कि कपास ने मक्का छे, तुवेर छे, घना जेवा पाको छे कि उबनुबन अतिवृष्टिने कारणे सणगी गया छे। तो अमारे सरकार श्री पासे एटली मांगणी छे कि जे अन्य जिल्लाओ तथा तालुकाओनो समावेश करेल छे तेमां अमारा गरुड़ेश्वर तालुकानो समावेश करेल नथी, तो अमारे सरकार श्री पासे एटली मांगणी छे कि अमारा गरुड़ेश्वरने पण समावेश करी सर्वे मुजब अमारे कि अमारा जे गरुड़ेश्वर तालुकाना खेडूतो छे एमने वर्तर आपवामां आवे एवी अमारे सरकार श्री पासे मांगणी छे। तो ये थे हमारे ओरपा ग्रुप ग्राम पंचायत के लोग, जिन लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में यहाँ पर हमारे गांव में जो किसान लोग थे वो फसल पका रहे थे और ज़्यादा मात्रा में बारिश होने के कारण उसकी जो फसल है वो भी यहाँ पर नष्ट हो गई है, इसलिए आज हम हमारी इस मांग को लेकर तालुका पंचायत कचहरी में आए हुए हैं और आज हमने यहाँ पर तालुका पंचायत के कचहरी को आवेदन पत्र दिया हुआ है। आइए हम इस वक्त यहाँ पर तालुका पंचायत कचहरी में उपस्थित है और यहाँ पर हमारे तालुका विकास अधिकारी श्री साहब उपस्थित है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि गांव लोगों की इन समस्याओं को लेकर पंचायत के जो अधिकारी जो है तालुका विकास अधिकारी साहब जो है उनका क्या कहना है। और गुजरात सरकार ने वो जो पैकेज जाहिर किया है लेकिन उसमें 123 तालुके के समय हुआ है लेकिन उसमें गरुड़ेश्वर शामिल नहीं है, ये सरकार का नीति विषयक निर्णय है। तो फिर ग्रामजनों की रुझान को मैं ऊपर के स्तर पर पहुँचाऊँगा। थैंक यू। तो ये थे यहाँ पर हमारे तालुका विकास अधिकारी साहब, जिन लोगों ने कहा है कि आज ये गांव लोग जो उनकी समस्या को लेकर जो यहाँ पर आए हैं तो उनकी जो कुछ भी समस्या है वो हम सरकार तक पहुँचाएंगे और हमसे जितना भी बन पड़ेगा उतना हम प्रयत्न उनको दिलाएंगे। इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास।